खबरों की माने तो ऋतिक रोशन को हॉलीवुड की डांस बेस्ड फिल्म स्टेप अप 6 के लिए अप्रोच किया गया है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो ऋतिक ही जाने। प्यार वाले दिन सारे वे खत लिख के गुजारे वे ओ फैनी रे ओ फैनी रे। कहा जाता है कि फाइंडिंग फैनी में पंकज कपूर से पहले इस रोल के लिए ऋषि कपूर को अप्रोच किया गया था। As the makers wanted to cash in on Rishi and Dimple Kapadia's on-screen romance. वरुण धवन, हुमा कुरैशी और यामी गौतम की थ्रिलर बदलापुर की शूटिंग रैप अप कर दी गई है और सोर्सेस की माने तो ये फिल्म अगले साल 20th फरवरी को रिलीज होगी। यो यो हनी सिंह, जो कि वर्ल्ड कबड्डी लीग में खुद एक कबड्डी टीम ओन करते हैं, इज प्लानिंग टू एक्सटेंड द टीम इनटू अ गर्ल्स कबड्डी टीम। ही एक्सप्लेन्ड, फैसिलिटीज फॉर अ गर्ल चिल्ड्रन टू ग्रो एंड एक्सेल इन वेरियस फील्ड्स इज येट लिमिटेड। इट्स माय ड्रीम टू सी एवरी गर्ल चाइल्ड इन इंडिया गेट द अपॉर्चुनिटी शी नीड्स एंड डिजर्व्स टू बिल्ड हर पर्सनैलिटी टू द ऑप्टिमम। सुधीर मिश्रा की फिल्म और देवदास में चंद्रमुखी का रोल प्ले करने के लिए काजल अग्रवाल को फाइनलाइज कर लिया गया है। काजल से पहले अदिति राव हैदरी और चित्रांगदा सिंह को कंसीडर किया जा रहा था। वैसे इस फिल्म में ऋचा चड्ढा निभाएंगी पारो का किरदार और राहुल भट्ट देवदास बने नजर आएंगे। खबरों की माने तो अपनी होम प्रोडक्शन डॉक्टर कैबी के प्रोडक्शंस के लिए टोरंटो गए सलमान खान मायामी में ओल्ड फ्लेम सोमी अली से मिलेंगे। सलमान विल बी इन लॉस एंजलिस फर्स्ट फॉर अ हेल्थ चेकअप एंड विल बी हेडिंग टू मायामी बीच टू स्पेंड टाइम विद सोमी अली हु हैज इनवाइटेड सलमान टू स्टे एट हर फैमिली होम। संजय गुप्ता डायरेक्टेड जज्बा से कमबैक कर रही हैं ऐश्वर्या राय बच्चन के ऑपोजिट इरफान खान को कास्ट किया गया है। इस एक्शन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में लॉयर बनी ऐश्वर्या के साथ इरफान एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखेंगे। सोनम कपूर ने रिसेंटली डिज्नीलैंड पेरिस में स्पेंड किया पूरा एक दिन विद हर फेवरेट कैरेक्टर्स। ओवर देयर अ सरप्राइज वाज इन स्टोर फॉर सोनम। मिकी एंड मिनी माउस क्लिक्ड सेल्फीज विद हर। ये पिक्चर्स है अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर तेवर के स्पेशल सॉन्ग के शूट की। इस सॉन्ग में फीचर कर रहे हैं इंटरनेशनल सिंगिंग स्टार इमरान खान ऑफ एम्पलीफायर फेम। अपेरेंटली सोनाक्षी हैज आल्सो लेंट हर वॉइस टू दिस नंबर। तेवर 9th जनवरी 2015 को रिलीज होगी। 2012 से कैंसर से लड़ रही मनीषा इज फाइनली कैंसर फ्री। द एक्ट्रेस हैज पर्ज्ड आउट द लास्ट ट्रेसेस ऑफ द डिजीज एंड इज नाउ ऑफ ट्रीटमेंट एंड नाउ शी वांट्स टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। मनीषा सेज, अडॉप्टिंग अ बेबी वाज ऑलवेज ऑन माय विश लिस्ट। देयर आर मेनी सिंगल पेरेंट्स हु आर डूइंग अ फैबुलस जॉब, व्हाई नॉट मी? माय चाइल्ड एंड आई वुड शेयर अ वेरी स्पेशल बॉन्ड। यशराज की फिल्म धूम ने पूरे कर लिए हैं 10 साल और अभिषेक बच्चन, जिन्होंने धूम सीरीज की सारी फिल्मों में काम किया है, रिसेंटली ट्वीटेड एंड एक्सप्रेस्ड हिज हैप्पीनेस। 10 इयर्स अगो माय लाइफ चेंज्ड। 10 इयर्स ऑफ धूम। थैंक यू ऑल फॉर द कांस्टेंट लव एंड सपोर्ट। नरगिस फाखरी को कर्नाटका के काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ने गार्ड ऑफ ऑनर का टाइटल दिया और इस बात से एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, क्योंकि ये टाइटल सिर्फ मिनिस्टर्स, टॉप ऑफिशियल्स या फिर स्टेट गेस्ट्स को दिया जाता है। इसीलिए अब एक इंक्वायरी बिठाई गई है ये पता करने के लिए कि किस बेसिस पर नरगिस को ये ऑनर दिया गया। बालक पालक, येलो और लय भारी जैसी सक्सेसफुल मराठी फिल्म्स प्रोड्यूस करने के बाद अब रितेश देशमुख एक हिंदी फिल्म प्रोड्यूस करने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक लव स्टोरी होगी विद रितेश एज द मेन लीड। और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे मराठी फिल्म नटरंग के डायरेक्टर रवि जाधव। मुग्धा गोड से उनकी अपकमिंग फिल्म इश्क ने क्रेजी किया रे में एक एम्बिशियस कॉर्पोरेट वुमन का रोल प्ले कर रही हैं एंड टू गेट हर न्यूआंसेस राइट मुग्धा इज मीटिंग वुमन हेड हॉन्चोस ऑफ वेरियस कॉर्पोरेट हाउसेस। वेटरन एक्टर राज बब्बर उनके दोनों सन्स प्रतीक और आर्या को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते हैं वेयर हिज टू सन्स कैन प्ले ब्रदर्स, और इसके लिए उन्हें सही स्क्रिप्ट और अच्छे डायरेक्टर की तलाश है। मेरे लिए इतना मुश्किल था वो देखना। आम
आमिर खान ने लॉन्च कर दिया है सोशल इश्यूज पर बेस्ड अपने टीवी सीरीज सत्यमेव जयते का सीजन 3 और इस मौके पर आमिर काफी इमोशनल हो गए। इमोशनली ये बहुत मेरे लिए मुश्किल रहा है ये सफर, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें देखी है मैंने जो जिसका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर। तो बहुत सारी चीजें जो हम टीवी पे नहीं दिखा सकते। चोपी परिणीति चोपड़ा को हमने स्पॉट किया एक हेयर केयर ब्रांड के एंडोर्समेंट इवेंट पर, जहां बबली गर्ल परी हैड अ लॉट टू से। डिफरेंट हेयर स्टाइल में कभी नहीं दिखाई देती है परिणीति। हम शायद आपने वो पिक्चरें देखी नहीं है लेकिन हंसी तो बसी अगर आपने देखी है तो उसमें मेरे बॉय कट था और उसके बाद ऐसे अप्रोक्सीमेटली ऐसे बाल थे और दावत इश्क में मेरे कुछ इतने लंबे बाल हैं, इससे अलग मैं कुछ नहीं कर सकती। इतने बाल और इतने बाल के बीच में जितना है इतना ही मैं कर पाई। अगली बार मैं लाल रंग के बाल रखूंगी आपके लिए। ऋषि कपूर बहुत जल्द 61 इयर्स के हो जाएंगे और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो जा पहुंचे अपने फैंस के बीच वाया अ रेडियो स्टेशन। इस रेडियो स्टेशन पर उन्होंने अपना बर्थडे केक कट करने के अलावा दिल खोल कर एंजॉय भी किया। गाना था बचना है हसीनो लो मैं आ गया। एक ऐसी अद्भुत बात है कि आरडी बर्मन का गाना जो मेरे पे पिक्चराइज हुआ है वही गाना रणबीर कपूर के साथ पिक्चराइज हुआ है फॉर द फिल्म बचना है हसीनो। तो मैं इस बात का उस आदमी से इतना शुक्रगुजार हूँ कि कैसे सोचा होगा मजनू अंकल ने लिखा था गाना, कैसे वो एक बाप बेटे ने एक ही गाना गाया है वो भी आरडी बर्मन का, ये मैं बस उनका शुक्रगुजार हूँ। रिचा चड्ढा हुज द कवर गर्ल फॉर अ मैगजीन नजर आए इस कवर पेज को लॉन्च करते हुए ड्रेस्ड इन अ पिंक फ्लोरल आउटफिट। रिचा लुक्ड लवली। अमेरिकन 3D डांस मूवी स्टेप अप ऑल इन के प्रीमियर पर नजर आए कुछ बी टाउनर्स इंक्लूडिंग अभय देओल, पूजा चोपड़ा एंड गुलपना। लेट्स टेक अ लुक। बहुत आसान है आपको निरुपा जी के बीच दीपिका ढूंढ के निकालनी है। ये कहानी है उस राजा की जो हाथ की सफाई का एक्सपर्ट था और जिसके पास सपनों के अलावा और कुछ नहीं था। लाइफ इस पैसे की तरह है, बस एक बार खर्च कर पाओगे। बड़ी बड़ी ख्वाहिशें और खाली खाली जेब। ज्यादा होते ना तो उस मोटे को हाथों से क्या, तुम्हें आंखों से भी छूने नहीं देता। देखना एक दिन मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के लेके जाऊंगा। राजा को सिर्फ एक मौके की तलाश थी। तो भाई मार दे लंबा हाथ। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म। तो आपको एक लंबे गेम के लिए हायर करना चाहता हूँ। गुरु नहीं मानोगे बेटा तो गुरु ज्ञान कहाँ से पाओगे। हेलो, मैं पैदाइशी 420 हूँ। आज तक तुम सिर्फ राजा थे, नटवरलाल मैं तुम्हें बनाऊंगा। यहाँ तो ठीक है, कोई प्लान भी है? वरदा यादव अरबों का मालिक, इस इंसान का सिर्फ एक ही जुनून है क्रिकेट। ये है हुक। मिथिलेश कुमार, हम वरदा को एक नकली क्रिकेट टीम बेचने वाले हैं। मेरा टाइम वेस्ट हो गया ना, तुम कहीं भी रहने के लायक नहीं रहोगे। उस वारधा के सामने तुम हो ही क्या, मार देगा तुम्हें, कुचल डालेगा। मुझे वारधा से बदला लेना है, लेकिन उसे मार के नहीं, उसे जिंदा रख के। वारधा मेरे प्लान में फंसता जा रहा है। दिमाग जितना ठंडा बदला उतना मीठा। आज मेरा मकसद पूरा होगा और हमारा सपना। You find him and you kill him. रिस्क और अपॉर्चुनिटी के बीच में ही तो चांस मिलता है, और जो उस चांस के साथ रोमांस करता है वही असली राजा कहलाता है। करेगी क्या सिंगल छोरी, सेटिंग करेगी क्या सिंगल छोरी, खंडाला घुमाऊंगा फोकट में।
लव यू लिखा दू गलॉकेट में सभी को वो दिखा आना तड़ी में यू तू आ जाना
मोहब्बत का लिख दे आज दिल से लम्हा लम्हा तू बेहतर सा कर दे आज कल से तुमसे मिलके मिला मैं खुद से तुमसे रस्में वफा सीखी खुद को सपने दिखाने की आदत तुमसे पहली दफा सीखी भी तेरा एहसास मेरी यही है ख्वाहिशें वादे सारे मैं निभा सकूं